हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो आज के इस नए वीडियो में आपको एक जो एक नए डिज़ाइन का लोगो बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जो डिज़ाइन का लोगो बना के दिखाने जा रहा हूँ, उन लोगों को अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है बनाना, कैसे कैसे क्या करना है वो सारा कुछ मैं आपके सामने करके दिखाऊँगा, आपके सामने ही बना के दिखाऊँगा। तो चलिए टाइम न लगाते हुए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। तो लोगो बनाने से पहले सबसे पहले यहाँ पर आपको जो अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने बाद यहाँ पर आपको नीचे के साइड में फोर्थ नंबर पे ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है, कलर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको कलर को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको अपने जो बैकग्राउंड में वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इतना काम करने बाद नीचे आपको जो राइट का ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप चाहे कोई और भी कलर का बैकग्राउंड ले सकते हो, आपके ऊपर है। और यहाँ पर आपको इतना काम करने के बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी भी जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ PNG का लिंक मिलेगा जो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, जाके चेक कर सकते हो। तो आपको जो इस PNG को कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, इसको आपको क्लिक करके ओपन कर लेना अपने पिक्सल लैब में कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस लेयर की ऑप्शन में आकर इस PNG को लॉक कर देना है और यहाँ पे आपको लेयर का जो ऑप्शन वापस से क्लिक कर देना है। और यहाँ पर आपका जो बैकग्राउंड, अभी बैकग्राउंड ब्लैक है तो आपको अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा ब्लैक ही कलर का शेप लेना है मुझे, तो इसलिए यहाँ पर जो अच्छी तरीके से नहीं दिखाई देगा, तो इसको मैं अभी के लिए बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर अभी आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है शेप का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करते ही आपके सामने एक शेप आ जाएगा। और इस यहाँ पे साइड में छोटा सा एक डॉट देखने के लिए मिलता है, उस डॉट पे क्लिक करके सर्कल वाले शेप को सिलेक्ट करना है और अपना जो साइज है कुछ इस तरह से बढ़ाना है, यानी कि आपको जो है ये स्ट्रोक यानी आपका जो बैकग्राउंड में जो शेप दिखाई दे रहा है उस शेप के लेवल में यहाँ पे आपको जो एक सर्कल लेना है कुछ इस तरीके से। और लेने के बाद यहाँ पे आपको जो है इसमें ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना है। इतना काम करने के बाद नीचे के साइड में राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपको लेयर का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जो ब्लैक कलर का शेप लिया है अपने उस शेप को अपना जो इमेज वाला शेप है उस शेप के नीचे रख देना है और यहाँ पर आपको लेयर का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देना है। इतना काम करते ही आपको जो कुछ इस तरीके से एक जो शेप बन जाएगा और आपके सामने जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इतना काम करने के बाद एक का जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे अगर मैं इस लेयर के ऑप्शन क्लिक करूँ तो यहाँ मेरे पास एक न्यू टेक्स्ट पहले से पड़ा हुआ है, तो इसको मैं ऊपर लेता हूँ। यहाँ पर मैं जो नया टेक्स्ट यहाँ से जाके नहीं लेता हूँ और यहाँ पे मेरा जो पहले से ही मेरे पास एक टेक्स्ट है तो नया लगे क्या, मतलब यहाँ पर जो मैं ये जो टेक्स्ट देख रहे हो इसी को टेक्स्ट को मैं यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो न्यू टेक्स्ट इसको सिलेक्ट करके डबल टैप करना है और यहाँ पर जो भी लिखा है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद यहाँ पर अभी आप जिस नाम से लोगो बनाना चाहते हो यहाँ पर आप उस नाम को लिखोगे। तो चलिए जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं MG लिखता हूँ। लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको ओके कर देता हूँ, मेरा जो टेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करूँगा इसको, मैं यहाँ पे बीच में सेट करूँगा। और यहाँ पे आपको चले जाना है जो यहाँ पे एक ही ऑप्शन पे, जाने के बाद यहाँ पे आपको जो है फॉन्ट के ऑप्शन पे जाके कोई भी एक स्टाइलिश फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है जो भी आप अपने इस लोगो में यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे मेरे पास दोस्तों कई सारे जो फॉन्ट है, अगर आप यहाँ पे ये सारे फॉन्ट को डाउनलोड करना चाहते हो तो ये जो सारे फॉन्ट मैंने आपको पहले दे दिया हुआ है और यहाँ पर मैंने जो वीडियो बना हुआ है सारे फॉन्ट के बारे में, तो आपको जो उस वीडियो का लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। फॉन्ट कैसे डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें, सारा कुछ मैंने आपको जो उसी वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कई सारे आपको जो अलग अलग स्टाइलिश में फॉन्ट देखने के लिए मिल रहे होंगे। तो अभी आपको यहाँ पे जो भी फॉन्ट पसंद आ रहा है वो फॉन्ट यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे। तो एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर कोई फॉन्ट को कोई भी लोगो बना के ट्राई नहीं किया हुआ है, जो भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, जो भी फॉन्ट मुझे यहाँ पर अच्छा देखने में लगेगा वो फॉन्ट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, वापस से चेक कर लेते हैं, और भी यहाँ पे कई सारे फॉन्ट हैं, इसमें शायद से कोई अच्छा हो जाए तो उसको मैं यहाँ पे यूज करूँगा। तो यहाँ पे अभी के लिए कोई अच्छा नहीं दिख रहा है उतना जैसा यूज करने लायक है, यहाँ पे एक मिला कुछ इस तरह फ़ोन। तो चलिए अभी के लिए इसको ही सिलेक्ट करता हूँ, नीचे मैं ओके कर देता हूँ और जो फॉन्ट है इसको मैं कुछ साइज छोटा करके इसको मैं यहाँ पे बीच में रखूँगा। और यहाँ पे रखने के बाद दोस्तों अभी आपको यहाँ पे करना क्या है, कलर की ऑप्शन पे जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आपको M वाले टेक्स्ट को छोड़ के G वाले को सिलेक्ट करना है, प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको इसमें कोई दूसरा कलर को सिलेक्ट कर लेना है। एग्जांपल के लिए जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं नीचे जो ओके का ऑप्शन देख रहे हैं वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, मेरा जो इसमें रेड कलर आ चुका है। और यहाँ पर आप दोस्तों कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर कोई भी फॉन्ट को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर मैंने अपने जो यूट्यूब चैनल का नाम लिखा हुआ है यानी मोबाइल ग्राफिक
यानी MG। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको जो इसको सेट कर लेना है और प्लस की ऑप्शन क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी भी जाना है। जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो एक किंग का PNG मिलेगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसा PNG रहेगा। तो यहाँ मैं अपने फोल्डर में जाता हूँ जहाँ मैंने PNG को रखा हुआ है, तो यहाँ पर चलिए ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे PNG, इसमें ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो यहाँ पर चलिए थोड़ा सा मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ यहाँ पे, यानी वीडियो को बीच में से कट कर देता हूँ। उसके बाद जब यहाँ मेरा जो PNG मिल जाए उसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या करना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो ये रहा मेरा जो किंग का PNG, इसको चलिए सिलेक्ट करता हूँ मैं और नीचे से इसको मैं क्रॉप कर लेता हूँ और मैं नीचे राइट का जो ऑप्शन वहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। इतना काम करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करना है, चले जाना है यहाँ पे जो है ये कलर फिल्टर की ऑप्शन है, ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको चले जाना इरेज कलर की ऑप्शन पे, इसको इनेबल कर देना है और यहाँ पे आपको टॉलरेंस को फुल कर देना है। नीचे आपको राइट का जो ऑप्शन मिलेगा वहाँ पर क्लिक कर देना है, कलर के ऑप्शन पर जाना है, इसको इनेबल करना है और आपके इसमें जो कलर आ जाएगा यहाँ पर अभी आप जो भी कलर पसंद करते हो वो कलर आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान जी मैं जो यहाँ पे वाइट कलर को रखता हूँ और मैं यहाँ पे राइट के जो ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों देखो तो मेरा कुछ इस तरीके से जो सिंपल डिजाइन में लोगो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल के लिए आप कोई भी फ़ोन को सिलेक्ट कर लिए हुआ है, यहाँ पे आप जितना अच्छा फ़ोन को सिलेक्ट करोगे उतना अच्छा आपका यहाँ पे जो लोगो डिज़ाइन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कई सारे मैंने फ़ोन बता ही दिया हुआ है, अगर आपको फ़ोन को डाउनलोड करना है तो जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे दूसरा फ़ोन सेलेक्ट किया तो मेरा जो लोगो का जो स्टाइल ये से डिज़ाइन है देखोगे चेंज हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से कोई भी जो यहाँ पे फ़ोन को यूज कर सकते हो। तो जाइए दोस्तों आप भी कुछ इस तरीके से लोगो को बनाइए। चलिए अभी के लिए बस आज की इस नई वीडियो में इतना ही, मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में।